हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। अभी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पे जो वीडियो देखा वो वीडियो था लेबनन की कैपिटल बेरूट से। बेरूट में 4 अगस्त 2020 को एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने पूरे बेरूट शहर को तहस नहस कर दिया। ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, इन दी पास्ट क्या ऐसे एक्सप्लोजन और भी हो चुके हैं लेबनन या किसी और कंट्री में वर्ल्ड वाइड, और इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट आर वीडियो, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल टू आर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, वेयर यू विल फाइंड डेली क्विजेज, वर्ड्स, फैक्ट्स एंड मैनी मोर। तो इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में जो भी आपको नज़र आ रहा है, बिल्डिंग्स, कार, बस स्टैंड, एवरी थिंग इज़ डैमेज, सब कुछ यहाँ पे डैमेज हो चुका है। तो इससे एक कैटास्ट्रोफी की सीवियरिटी को आइडिया यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब ये जो डैमेज हुआ है इसे हम देख लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 100 लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है और 4,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नर ऑफ बैरूट, लगभग $5 बिलियन का यहाँ पे बैरूट को लॉस हो चुका है और लगभग 3 लाख लोग यहाँ पे बेघर हो गए हैं। ये जो ब्लास्ट है ये लगभग 240 किलोमीटर दूर सिप्रस आइलैंड, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में है, वहाँ तक सुनाई दिया था। तो जब 250 किलोमीटर दूर किसी चीज़ की गूंज सुनाई दे रही है तो उसके एपिसेंटर पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब जब यहाँ पे बैरूट की बात हुई है तो लेबनन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो रिपब्लिक ऑफ लेबनन इसका पूरा नाम है और ये एक मिडल ईस्ट की कंट्री है जो कि वेस्टर्न एशिया में है। यहाँ के प्रेसिडेंट है माइकल ओन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है हसन दायब। यहाँ की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 68 लैक्स और यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो किया जाता है वो है इस्लाम अबाउट 50%, क्रिश्चियनिटी अबाउट 45% एंड ड्रूज अबाउट 5%। मैप पे हम लोकेशन देख लेते हैं तो ये है इंडिया, और इंडिया से जब हम नॉर्थ वेस्ट की साइड में जाएंगे सेंट्रल एशिया की तरफ तो यहाँ हमें कंट्री मिलेगी लेबनन। लेबनन की नेबरिंग कंट्रीज़ है सीरिया एंड इज़राइल, और लेबनन के वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। जूम करके हम मैप पे देखें तो ये है बाउंड्री लेबनन की, और लेबनन की वेस्टर्न पार्ट पे मेडिटेरियन सी के पास में शहर है बैरूट। बैरूट शहर की भी हम लोकेशन देख लेते हैं तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये है बैरूट, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफे मार्क जो आप देख रहे हैं ये है वो लोकेशन जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। इस लोकेशन को और स्पेसिफिकली हम देख लेते हैं तो ये है पूरा पोर्ट ऑफ बैरूट, और यहाँ पे इस जगह पे एक्सप्लोजन बैरूट में हुआ है। ये एक और पिक्चर है जिसमें जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ डैमेज ही दिखेगा। तो इससे इस कैटास्ट्रोफी की सीवियरिटी का आइडिया लगाया जा सकता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, तो लेबनन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दायब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट ये है डेट 2,750 मेट्रिक टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विच इज़ टिपिकली यूज एज एन एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर हैड बीन स्टोर्ड फॉर 6 ईयर्स एट ए पोर्ट वेयर हाउस विदाउट सेफ्टी मेजर्स एंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। सो बेसिकली हसन दायब जो कि प्राइम मिनिस्टर है लेबनन के, वो ये कह रहे हैं कि 2,750 टन मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट जो कि स्टोर किया हुआ था पोर्ट के वेयर हाउस में विदाउट एनी सेफ्टी मेजरमेंट्स, उसके एक्सप्लोड होने से ये पूरा कैटास्ट्रोफे हुआ है। ये अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल कंपोजिशन है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके जो दो बेसिक केमिकल्स हैं अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, जिनके फॉर्मूले हैं NH3 एंड HNO3, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ NH4NO3 डेट इज़ अमोनियम नाइट्रेट, ये इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट के साथ अगर आप एक लिमिटेड टच में हैं तो ये आपकी हेल्थ को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। लाइक जब फार्मर्स इसे यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र में तो ये उसके रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, बट ये फार्मर्स की हेल्थ को उतना ज़्यादा सिविरली डैमेज नहीं करता है। बट अब ये बैरूट की हवा में फैल चुका है क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है
और उस एक्सप्लोजन की वजह से ये हवा में फैल गया है, तो इसका जो सांस के साथ में कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेज हो सकते हैं, जिनके सिम्टम्स कफिंग, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर इवन सफोकेशन भी यहाँ पे हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जिनमें एक्सप्लोजन हुए हैं। तो इन इंसिडेंट्स को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंसिडेंट जो रिकॉर्डेड है वो 1916 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें 700 टन के अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड हो गई थी और 115 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। उसके बाद में 2007 में मेक्सिको में एक एक्सप्लोजन हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि 1916 से लेकर 2007 के बीच में भी बहुत सारे एक्सप्लोजन हुए हैं अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, बट एक वीडियो लेक्चर की लिमिट की वजह से उन सबको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो 2007 में मेक्सिको में अमोनियम नाइट्रेट से एक एक्सप्लोजन हुआ, उसमें 22 टन की अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड हो गई और लगभग 40 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। उसके बाद में 2009 में यूएस में एक एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद में 2013 में अगेन यूएस के टेक्सास में एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें 240 टन की अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड हो गई और 15 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। अगला जो एक्सप्लोजन था वो हुआ चाइना के पोर्ट ऑफ तियानजिन में, जो कि 12 अगस्त 2015 को हुआ। इसमें 800 टन अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड हो गया और 173 लोगों की जान गई। तो जैसा कि हम देख चुके हैं हिस्ट्री में 1916 से लेकर प्रेजेंट में 2020 तक बहुत बार अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक्सप्लोजन्स हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों की हानि हुई है। तो इन द नियर फ्यूचर अगर ऐसे एक्सप्लोजन्स और देखने को मिले तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी तक अमोनियम नाइट्रेट पे बहुत ज़्यादा कड़े रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। अगर इस चीज़ पे अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी सिचुएशन आगे फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेररिस्ट इसका यूज़ कर रहे हैं, माइनिंग ओनर्स इसका यूज़ कर रहे हैं, फार्मर्स इसका यूज़ कर रहे हैं। लेबनन एक एग्जाम्पल है, जैसा यहाँ पे केयरलेस होके इसका स्टोरेज किया गया और जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हो गया, तो आगे भी ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।